रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋत्विक तेरे लिए दोस्त से ज्यादा था। भरोसा थोड़ा उस लड़की ने मेरा है। मैं पलक से प्यार हो गया। लंदन जाने का अचानक प्लान कैसे बन गया? एकदम से नहीं पापा, काफी टाइम से बात चल रही थी और थोड़ा वक्त मुंबई भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, तू ये सब ऋत्विक की वजह से कर रही है, मुझे पता है। नहीं से तू ऐसा कुछ भी नहीं, वो दोस्त था मेरा, कोई मोहब्बत नहीं हुई। टूट गई तो दिल बिखर जाएगा मेरा। तो क्यों बैठा? हाँ चला डांस करते। थैंक्स मैडम। के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक बात बता, ये कौन से सीरियल का डायलॉग है? She is my best friend, so I don't need your thanks. You too, Guna, by the way. I am. I know. And I love serials. Seriously? Yeah. Shock. चल डांस करते हैं। भागना तो बाय। मैं जा रही हूँ। बाय। ये लो, रीवा नून की ब्रेकअप पार्टी। अपने न्यूज़पेपर में एक्सक्लूसिव छाप देना। लो, लोग छुपाते हैं और तुम कह रहे हो गॉसिप करो। हाँ, बाकी न्यूज़पेपर गलत छाप। रीवा नून का दिल टूटा, रीवा नून की शादी क्यों टूटी? बकवास। तुम्हें मौका दे रहा हूँ, सही न्यूज़ छापने। इट्स अ गुड स्टोरी। से बात तो तुम सही कह रहे हो। शी लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो यू एग्री विद? इस बात के लिए हाँ, but that does not mean that that does not mean कि हम दोनों में प्यार हो जाने वाला है। That does not mean कि मैं तुम्हारे yes का वेट करूँ, क्योंकि ना तो तुम मुझे already बोल चुकी हो, है ना? तो इस बार बोल देती हूँ, yes, पार्टी के लिए। ये तो पलक की फ्रेंड सेतु है, ये यहाँ क्या कर रही है? रोहित पुत्र, मैं अपने दोस्त से मिलाएगा नहीं यार। डैड, ये सेतु है, फैंटास्टिक जर्नलिस्ट। हेलो अंकल। हाय, कब से जानते हो बेटा एक दूसरे को? थोड़ा टाइम हो गया डैड। कहाँ रहते हो बेटा? क्लोज बाय, पंजाबी बाग। क्या करते पापा, क्या करते हैं? ही इज एन आईएएस ऑफिसर। कैरी ऑन, कैरी। ओए पलकू पुत्तर, तैनू एक गल दसा, तेरी माँ जो है ना बड़ी एंटरप्राइजिंग है पुत्तर। अब तू मुंबई जा रही है, दिल्ली के मुंडे तो तुझे पसंद आए नहीं, तो मैंने सोचा वहीं तेरी सेटिंग कर दूँ। ओए मुंबई में ना एक मुंडा देखा पुत्तर है, उसके ना 5 फ्लैट है साउथ मुंबई में, और स्टडीज में भी बड़ा अच्छा है, तो मैं तो सोच रही थी ना कि शायद वहीं बात बन जाए। यू आर एग्जैक्टली लाइक योर मदर पलक, दैट्स ऑल यू कैन डू। तुम एक घटिया औरत हो। तो क्यों हो गया पुत्र, मेरा बच्चा कुछ सोच रहा है, है? मम्मा, जब आप ये अमीर लड़का अमीर लड़का करते हो ना, तो लोगों को बहुत गलत फहमी हो जाती है आपके बारे में। पता है उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि आपको पैसों से प्यार है। वो ये नहीं सोचते कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हो, आप उससे खुश देखना चाहते हो। और पुत्र मैं यही तो बोलती हूँ। पर मम्मा आप अच्छे से भी तो बोल सकते हो ना। भाई पुत्र, हद हो गई यार, हैं? वो ऐरी कोई शर्माने की गल है? कुड़ियों के माँ बाप ना शादियां करवाने से पहले ना और मुंडे की सैलरी पूछते ही पूछते हैं, है ना पुत्र? कोई अंग्रेजी में पूछो कि मुंडे का पैकेज कितने का है तो चंगा, और वही बात अगर हिंदी में पूछो कि मुंडा अमीर चाहिए तो बुरा। पुत्र ऐसे थोड़ी ना होता है। पर इससे कई बार कई लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मम्मा। आप बहुत प्यारे हो मम्मा, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, हमेशा सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो। आपने कितना कुछ किया है इस घर के लिए, मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, वो किसी को नहीं दिखता। पलकू, पलकू एक मिनट।
तू जानती है मैं तेरे लिए हमेशा अमीर लड़के क्यों ढूंढती हूँ? तुम्हारे बचपन में पलकू, तेरे भाई को अपनी इन्हीं आंखों के सामने दम तोड़ते देखा पुत्र, वो चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकी, माँ होके भी कुछ नहीं कर सकी। तू कहती है ना तू अपने उसी भाई के लिए डॉक्टर बनी है, वो मैं कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कुड़ी को उसी मजबूरी का सामना करना पड़े जहाँ अपने औलाद के इलाज के लिए उसे अपने बैंक बैलेंस की लिमिट देखनी पड़े। अब पलकू पुत्र, मुझे पता है पुत्र कि तू बड़ी होशियार है, इतनी लायक है कि अपने आप को मालेगी, लेकिन मैं डरती हूँ मेरे बच्चे कि कहीं जिंदगी तुझे धोखा ना दे दे। बस इसीलिए अमीर लड़कों की सेफ्टी देना चाहती हूँ मेरे बच्चे, बस और कोई बात नहीं है। पलकू समझती है ना बच्चे अपनी माँ को, कभी गलत मत समझना मेरे बच्चे, कभी गलत मत समझना। वे, क्या हुआ? एक तो लगा दो मेरे मुंह पे। एक लगा दी ना, दो दिन तक बेड से नहीं उठेगी। तो सही भी है ना, डिजर्व करती हूँ, मैंने बहुत गंदी तरह बात की आपसे। इट्स ओके, वैसे भी तू अपने भाई को ये सब नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? आई मीन अपने सौतेले भाई को तू ये नहीं बोलेगी कि तू मेरा सगा नहीं है तो किसको बोलेगी? डूड, अगर तुम मेरे सगे नहीं हो ना तो कोई नहीं है, ये याद रखो। तो फिर मतलब मैं नहीं कह सकता ये सब? मुझे मेरी स्टुपिडिटी ना प्लीज बार बार याद मत कराओ, आई एम ऑलरेडी लाइक फीलिंग बैड फॉर इट। एक भाई का कर्तव्य होता है कि अपनी बहन की स्टुपिडिटीज उसके मरते दम तक याद कराए, दैट्स मी। और इतना सड़ मत, ठीक है? हमारी प्रॉब्लम भी है, तेरे रूम को लेके कितने सारे प्लान्स थे मेरे। डूड अगेन माय रूम, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठी हूं, कुछ नहीं होगा, ऑलराइट? सो फॉरगेट अबाउट माय रूम। दैट मेक्स मी क्राई। पता है मैं क्या सोच रही थी? जो हुआ ना ठीक ही हुआ, समर मुझसे 10 पॉइंट्स कम नहीं था। 100, आई डोंट नो व्हाट यू वर थिंकिंग, है ना? चोमू साला टैकी भी था। अगले ही वाज डम, मैं बता रही हूं। हेलो, अगर वो इतने बड़े थे तो हम अपनी बहनों ने दे क्यों रहे थे? क्योंकि इस गधी को गधा पसंद आ गया था ना, और फिर पापा ने कहा कि बेटू की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। व्हाटएवर डूड, मैं तो ना ग्लैड हूं कि पीछा छूटा बंदे से। हमारा पीछा कब छूटेगा तुझसे? सीरियसली, याद रखना मेरा कमरा भी मेरा ही है। ऑलराइट, ऑलराइट, डू यू गेट इट? सी, आई टोल्ड यू शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन, मान गई ना? सब तुम्हारी वजह से हुआ। नॉट रियली, मगर आप अगर मुझे क्रेडिट देना चाहते हो तो आई डोंट माइंड, जस्ट से थैंक यू एंड लीव। थैंक यू स्वीट गर्ल। ओहो, टोटल सेंटी। क्या वर्ड? ओह, एकदम रोंदू। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आँख में कचरा घुस गया था। आप मर्द भी कभी रोते? ये बेफालतू की बात मेरे साथ मत किया करो, और मर्दों को इंसान बने रहने दो। That's why I love you. Why do you love me? You want to hear? Why? Why? Okay, let me try. तुम्हारे उन बुरे वाले जोक्स की वजह से नहीं, तुम्हारे सर पर से उड़ते हुए बालों की वजह से नहीं, और जो तुम बात बात पे झूठ बोलते हो ना उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। I love you because तुम अपने आंसू दिखाने से, अपने इमोशंस को सबके सामने रखने से डरते नहीं, एंड दैट्स ग्रेट। और तुम्हारे इन कीमती आंसुओं के पीछे तुम्हारा प्यार छिपा है, and I love that. I love you too, but I want to tell you something. I can be strict also. मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। वो अनन्या ने रीवा को समझा दिया, वरना मैं तो चपेट रख के देने वाला था रीवा को। I believe you. I'm very strict. नहीं? तो बता रहा था। I think I need that. वो देख, मम्मी से गालियाँ खा रहे हैं। Everything's okay. पापा, आप यहाँ आ जाओ, आपको कुछ नहीं बनने वाला, यही है आपकी थोड़ी सी जो इज्जत है। Exactly. आजो पापा, let's dance. चलो चलो, बहुत हो गया रोमांस, अभी डांस करते हैं। वो कहाँ लेके जा रही मेरी बीवी को? पहले डांस फिर रोमांस। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, और
पुत्र कुड़ी तो बड़ी चंगी है यार, है ना डैड? पसंद है तुझे? देख झूठ ना बोली, पसंद है ना? हाँ डैड, मैं अपने मुंडे दी चॉइस अच्छी तरह जानता हूँ शेर। थैंक्स डैड, आपको अच्छी लगी? आई मीन रियली डैड, मुझे ऐसा लगा आप कहोगे कि मिडिल क्लास फैमिली से है। आई मीन उसके डैड बहुत ही सीधे साधे आईएएस ऑफिसर है, मुझे ऐसा लगा आप कहोगे हमारी टक्कर की नहीं है। पर फैमिली की टक्कर में क्या भिड़ना यार, देख तेरी पसंद हमारी पसंद है भाई, हम तो तेरी और अनन्या की मुस्कुराहट में ही खुश है। थैंक्स सर, आई लव यू, बट एक बार सेतु हाँ कर दे तो जा करा ले हाँ और बन जा हीरो। अरे मेरे शेर तू जा पटाले कुड़ी नो पटाले पटाले। यस डैड। क्यों एनकरेज कर रहे हो? वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। देखो उसके बाप के पास धन दौलत न सही, लेकिन वो पेन है जिसके एक सिग्नेचर से मेरे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट क्लियर हो सकता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। तो बीबी जी तुसी पार्टी एंजॉय करो। ओए कम ऑन यार चलो, ओए यार इन्नो भी नचाओ चलो। हाय, अब तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही हंसा करो। तुम स्माइल करते रहो, मैं भी स्माइल करती रहूंगी। जय, जूस लेके। अभी ले। जाना। जा रहा हूँ ना। दो लेके आना। ठीक है। उसकी दोस्त को यहाँ क्यों लेके आए? मतलब गेस्ट है, मेरी दोस्त है यार। अरे बट रीवा के बारे में सोचा, उसको हर्ट नहीं होगा? रीवा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मूव ऑन। देखो सर कितनी खुश है। बहाना है वो, दिखावा है। ऑलराइट, नोबडी कैन ओवर समबडी सो क्विकली। यूज योर ब्रेन। देख आई नो कि तू अपने फैमिली को लेकर बहुत पॉसेसिव है, लेकिन अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर, उसे हावी मत होने दे। और इतना एक तरफा मत सोचा, अलग से एक बार पूछ तो सही। You mad? तुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, okay? Nonsense. जो उसकी मॉम ने क्या किया है? शादी टूटे एक दिन नहीं हुआ था, बिल लेके पहुंच गई। Not that we wouldn't have paid her. But who does something like that? यार लालची औरत है वो। उनका पेशा है ये सब करना, अमीर लड़कों को ढूंढ के ये सब करना। माँ है, ये तो बेटी भी तो ऐसी होगी ना। That's not right यार। तू एक बार पलक से बात करके देख। मेरे लिए एक बार बात कर, तुझे पता चल जाएगा। छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी पूरी दोस्ती मत खराब कर। Come on यार, लंदन जाने से पहले एक बार बात कर ले उससे। काका वो डॉक्टर पलक के गले। इतना टेंशन नहीं लेते हैं, कुछ दिन लगते हैं फिर सब ठीक हो जाता है। क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। आओ जी, मैं भी डाल दे रहा हूं। पान पलकू पुत्र छेती चल, मैंने तेरी पैकिंग करानी है। इतने सारे कपड़े धोए सीखे ना, और आयरन भी करने हैं ना। चल आप फटाफट मदद कर, बड़े सारे काम है। छेती छेती पलक को कुछ हेल्प कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको रखना है ना, देख ना। हां चल मैम। हाँ जी, क्यों हो गया पुत्र? सॉरी, हम बिना बताए ऐसे आ गए। वो एक्चुअली समर के डैड ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो कोई गल नहीं पुत्र जी, इसको भी अपना ही घर समझो। कोई घर छोटा है पर दिल तो बड़ा है ना, है ना? वो वैसे भी ना बुजुर्गों की नाराजगी तो कम हो जाएगी, है ना? तब तक यही रहो। वैसे भी मेरी पलक पुत्र तो जा रही है पुत्र इस घर में, तो रोन के जा रही है इस घर से। आप रहोगे तो रोन के भी रहेंगी, ठीक है ना पुत्र जी? खुश हो जाओ, अब चलो चाय बनानी। चल चल छत्ती चलो, चल पलकू इसको देख लियो, चलो मैं आ रही हूँ। मम्मा हाँ सुनो ना, एक सेकंड। क्यों हो गया? एक मिनट, एक सेकंड। वो भी क्या हो गया है? अब क्या कर रहे हो ये? हैं? अगर आप समर राधिका को यहाँ रहने दोगे तो अपने पैरों पे कब खड़ा होगा यार? पुत्र एक मिनट, समर ना इतने बड़े घर का ना इकलौता बेटा है। बेटा वो अभी उसके माँ पियो की नाराजगी है, पर कुछ दिनों में तो उसके माँ पियो की नाराजगी भी खत्म हो जानी है। और फिर पुत्र जी जब राधिका के बच्चों को दादा दादी देखेंगे ना, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहना। और उसी खुशी में उन्होंने सब भूल जाना है पुत्र। अरे पलकू, वो पुत्र समर तो ना रेवा से प्यार करता ही नहीं था, उसने तो सिर्फ ना अपनी राधिका से ही प्यार किया है। अब जब उसके बुरे वक्त में हम उसकी मदद करेंगे, तो वो जब वापस कार जाएगा और अपनी फैमिली का बिजनेस संभालेगा, तो उसने तो हमें याद रखना है ना। विल बी ग्रेटफुल टू अस।
और एक और गल सोच पुत्र, उसके सर्कल में तो बड़े चंगे लड़के होंगे, बड़े बड़े खानदानों के, खन्ना, कपूर, नोन्स। अब जब उनके सामने हमारी तरीका करेगा तो हमारी तो पहचान बनेगी, है ना पुत्र? मैं ना बड़ी लंबी सोचती हूँ, लॉन्ग टर्म, समझी? मम्मा वैसे ऋतिक मुझसे नाराज है, उसे लगता है सब कुछ मैंने किया। अगर आप समय और राधिका को भी साथ में रखोगे तो वो सब सोचेगा कि मैंने किया है। He will feel bad ना? तो कर रहे थे उसे feel bad है, तो चल कर। He will feel bad. सीधा एयरपोर्ट लेना। अब जब उसके बुरे वक्त में हम उसकी मदद करेंगे तो वो जब वापस कार जाएगा और अपनी फैमिली का बिजनेस संभालेगा तो उसने तो हमें याद रखना है। उसके सर्कल में तो बड़े चंगे लड़के होंगे, बड़े बड़े खानदानों के। वो तो मैं बड़ा लंबा सोचती हूँ, समझा मेरे बच्चे? कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था। पलक बेटा टाइम हो रहा है, पैकिंग हुई कि नहीं हुई? खेती करना। जी पापा, हो गया। गुड गुड गुड, चल। कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। एक मिनट, ले पुत्र टाइमर खा ले, ठीक है? अपना ध्यान रखिए मेरे बच्चे। अच्छा मम्मा सुनो ना, अमन आएगा ऑफिस से, उसको ये हार्ड ड्राइव दे देंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके। बैटरी डेड। हेलो, हाँ रिक्की सुन, मैं पलक के घर पे पहुंच गया हूँ, लेकिन लगता है जल्दी जल्दी में वो गलत हार्ड ड्राइव दे गई, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जानबूझ के क्या? आई एम श्योर शी वांट्स अस टू सफर। या आई विल हैंडल इट प्रॉपर। बाद में इतना एक्स्ट्रा कीमत चाहिए होगी उस डेटा की। मैं इस तरह के लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आई विल हैंडल इट। प्लीज डोंट टेल मी हमारे पास गलत हार्ड ड्राइव आ गई है। जानबूझ के भाई। यार रिकी, हमको प्रिपेयर भी करना है मीटिंग के लिए, कैसे करेंगे? कर लेंगे यार भाई, वो रैंसम पे रख रही है ना भाई। शी नोज हाउ इंपॉर्टेंट दिस मीटिंग इज फॉर अस। मैं नाटक करने की क्या जरूरत थी, सीधा पैसे मांग लेती। सो यू मीन टू से वो जानबूझ के कर रही है ये सब? ऑब्वियसली, लाइक मदर लाइक डॉटर। मतलब लालची लोग हैं। आप स्ट्रेस मत लो, आप चेक इन करो, आई फिगर आउट समथिंग, आई विल मेक सम कॉल्स। रिकी, वी कांट लुक अनप्रोफेशनल मैन। वी वोंट ब्रो, आई प्रॉमिस। ठीक है, आई एम एट द लाउंज, तू जल्दी आ यार। रित्विक, थैंक गॉड तू मिल गया, आई एम सो सॉरी। दिस इज द राइट ड्राइव, मैंने अमन को गलती से अपने सॉन्ग्स एंड मूवीज की ड्राइव दे दी। इट्स ऑल माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। गलती से हो गया, आई फॉरगॉट टू वर्क। इज दैट द हार्ड ड्राइव? थैंक्स, आई विल चेक दिस, तू जल्दी आना। रित्विक सुनो, आई डोंट नो हमारे बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है, पर इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
पर मैंने क्या किया यार, आई डोंट नो। ऑब्वियसली एक ही भाषा तो समझती हो तुम। यहाँ तक आई हो, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा सर्विसेज की एक्स्ट्रा पेमेंट। व्हाट? इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है तुमने। एनीवे तुम्हें पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो लिए। पंडित जी, इनसे 100 लोगों को खाना खिलाना है, किसी की मन्नत उन्हीं के नाम से कीजिएगा। मेरा जिस दिन एक्सीजन अप्रूव होगी ना प्रॉपर्ली, 100 लोगों को खाना खिलाओ। आई एम श्योर। ये उन्हीं के पैसे, उन्हीं की मन्नत थी, प्लीज उन्हीं के नाम से कीजिए। ठीक है, आप उनका नाम बताइए। ऋत्विक। ऋत्विक, ठीक है, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। आइए पंडित जी। तुम किसी से शादी नहीं करना चाहते, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम। तुम अकेले रहना चाहते हो, इस बात से भी मुझे कोई प्रॉब्लम। पर तुम जिन वजहों से शादी नहीं करना चाहते हो, उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। चाहे प्यार नहीं था, लेकिन एक दोस्ती थी, एक रिलेशनशिप था जो किसी और की शादी की वजह से टूट गया। बट दैट्स नॉट डन ना।